सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, मंत्रों में किस मुद्रा की सहायता ली जाती है, ध्यान में मंत्रों में ध्यान लगाने के लिए किस मुद्रा की सहायता ली जाती है, मंत्रों का ज्ञान पाने के लिए, मंत्रों की शक्ति पाने के लिए किस मुद्रा की सहायता ली जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आज खाली केवल एक जो विशेष मुद्रा है जिसको मैं हमेशा से करता आया और वो हर जगह काम करती है, क्योंकि वो हम लोग जुड़े हुए हैं ना, वो ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं दोस्तों, विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपनी मतलब प्रतिभा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए सर्वोत्तम जो होती है वो होती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा सर्वोत्तम इसलिए होती है, ये क्षेत्र भी ज्ञान का है, विद्या का है। तंत्र एक गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ रहस्य, गूढ़ विद्या है। शनि, केतु और राहु द्वारा संचालित होती है। मंगल इसमें तंत्र में शक्ति भरता है और चंद्रमा उसको दृढ़ता से पालन करते हुए फलीभूत करता है। पहले तो आज का एक छोटा सा विषय जो आपको बहुत ज़रूरी बताना, क्योंकि मैं लगातार इस चीज़ को देख रहा हूँ। आज भी ये दो तीन घटनाएँ आज मेरे साथ मतलब सुनने में आई। देखिए दोस्तों ऐसा है, खूब लोग बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, बताते हैं, गुरुजी हमने आपका ये मंत्र किया था और ये मंत्र ले रखा था, इस मंत्र से ये चमत्कार हमने दिखाए, औरों के लिए चमत्कार दिखा रहा है, मंत्र हमारे लिए नहीं दिखा रहा। तो दोस्तों एक चीज़ इसमें बताता हूँ आपको, ये आप या दो चार आदमी अकेले नहीं है, जी हज़ारों आदमियों का अनुभव रहा है मेरे मंत्र जो जिन्होंने किए हैं, तो उनको चमत्कारी अनुभूतियाँ जब कार्य सफल जरूर हुए। और भगवान तो हम भी नहीं है कि हर चीज़ को यहाँ कह के हर कार्य सफल हुआ, कुछ बिगड़े भी होंगे ऐसी बात नहीं है, भले उन्होंने बताया नहीं बताया। पर एक चीज़ और है, मैं जो आपको मंत्र देता हूँ तो मंत्र देते समय मेरी कोई भावना नहीं होती आपसे लोभ लालच की या कुछ ऐसी कि मैं आपसे कुछ ले लूँ, और प्लस उल्टा और करता हूँ, बल्कि उस मंत्र में अगर मैंने कोई मंत्र आपको दे रखा है तो उसमें शक्ति और फूंक के देता हूँ, मैं आपको शक्ति और डाल करके देता हूँ और आन लगा करके देता हूँ कि उसका दुरुपयोग ना हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से देता हूँ। लगभग 95% लोग यूट्यूब से लेकर के मेरे मंत्र करते हैं और उसमें भी उनको सफलता मिलती है। कई लोग पूछ पाते हैं, कई लोग पूछ ही नहीं पाते। तो दोस्तों आप लोग जिसमें से ज़्यादातर ये कहते हैं कि औरों के लिए आप जो भी करते हैं आप लोग मेरे मंत्रों से औरों के लिए वो सब सफल हो जाता है, लेकिन आपके खुद के लिए नहीं होता, आप अगर औरों को कराते हैं तो वो हो जाता है। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ऐसा होता है जो मैंने कई मंत्र डाल रखे हैं, जो आपने भी कई कर रखे हैं, तो वो परंपरा के मंत्र हैं और उसी हिसाब के मंत्र हैं। तो उसमें एक दिक्कत ये है कि आप पर गुरु का कर्जा बन गया, आपके ऊपर गुरु का ऋण बन गया, आपके ऊपर गुरु का एक दबाव बन गया, और जब तक उस दबाव से आपको मुक्त नहीं होंगे आप, तो ये क्या होता है ना, अगर हमने किसी का मंत्र लिया, किसी की विद्या ली है या कोई चीज़ कर रहे हैं वो सफलता दे रही है, तो फिर हमारे ऊपर गुरु का कर्जा बन जाता है, तो वो बन जाता है आपके ऊपर। और हमेशा कोई भी किसी भी ज्ञानी से, किसी विद्वान से कोई भी चीज़ ज्योतिष की सलाह हो या फिर ये सब चीज़ें हों, बिना उसके उसका पारिश्रमिक दिए, बिना उसकी दक्षिणा दिए, ये कभी सफल नहीं होती, ध्यान रखना। ये आपको आज सफल हो जाएगी, आप काम आज काम कर देगी, लेकिन बाद में उस आपसे 10 गुना चीज़ ले भी लेगी वो चीज़, क्योंकि ये होता है, क्योंकि आपने उसका पारिश्रमिक, उसको दक्षिणा, उसकी नछावर उसको दे दी है, तो समझ लीजिए आप उसके ऋण से मुक्त हो गए, आप उसको फ्री माइंड से वो काम कर सकते हो उस मंत्र से। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो मंत्र आपके लिए काम नहीं करेगा। ये आपको मैं आज बता दूं, बहुत समय से लोगों का देख रहा हूं, बहुत लोगों का, आज भी 3-4 लोगों की बात हुई मेरी, फोन आए थे, गुरु जी ऐसा ऐसा होता हमारे लिए कुछ नहीं, तो लेकिन आपके मंत्रों से भारत बड़े बड़े काम कर चुके हैं, तो वो मैं मानता हूं, क्योंकि आप लोग पहले नहीं है, बहुत लोगों का ये अनुभव है, और करीब 10 साल से अनुभव लगातार आ रहे हैं लोगों के मेरे पास, तो ये होता ही है, 2011 से आ रहे हैं, हाँ 2011 से आ रहे हैं, क्योंकि तब से मैं मीडिया के माध्यम से बहुत मंत्र दे चुका हूँ, तो ऑनलाइन माध्यम से। तो दोस्तों एक चीज़ है, हाँ तो थक गए दोस्तों हवन हवन करके, तो उसमें दोस्तों एक चीज़ और है कि ये मेरा नहीं, मैं किसी अपने का ही नहीं या किसी और का विशेष का नहीं करा, आप कहीं से भी कोई मंत्र लें, कहीं से भी कोई विद्या लें, तो आपको अपने ऊपर उसका कर्ज नहीं बनाना चाहिए, उसको जरूर कुछ ना कुछ दक्षिणा या कुछ ना कुछ देना चाहिए,
ताकि ऊपर वो आपके ऊपर भार ना रहे, ये भार रहता है तो आपको एक आध दो चीज़ों में सफलता मिल जाएगी लेकिन लगातार सफलता नहीं मिलेगी, ये गारंटेड है। तो एक चीज़ ये, अब ये तो टॉपिक गया अलग, ठीक है ना, बिल्कुल अलग हो गया। अब आया हमारा टॉपिक मेन वाला मुद्रा पर, कि मंत्रों में सफलता किसी विशेष मुद्रा से मिलती है क्या? हाँ बिल्कुल मिलती है दोस्तों, मंत्रों में सफलता विशेष मुद्राओं से मिलती है। जो मैंने बताया आपको कि मैंने सबसे ज़्यादा ज्ञान मुद्रा ही का ही मतलब वो अनुभव किया है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज गति से काम करने वाली ज्ञान मुद्रा ही होती है, ठीक है ना। तो ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? बहुत सिंपल मुद्रा होती है और उसे आपको कुछ नहीं करना है, ये हद ली है, अंगूठा और तर्जनी उंगली, मेन मुख्य गुरु की उंगली है ना, इसको लेकर के आपको ये बनाना है। और उंगली का आगे का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग ये दोनों जुड़ने चाहिए यूँ, यहाँ से ऊर्जा ज्ञान उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये बृहस्पति है ज्ञान, ठीक है, ये शुक्राचार्य है अंगूठा ज्ञान। हर तरह की साधना, उग्र से उग्र और सौम्य से सौम्य, मुद्राओं के बारे में आपको बहुत लोग बताते होंगे लोगों दोस्तों, लेकिन वो ये बारीक चीज़ें नहीं जानते कि ज्ञान मुद्रा ये क्यों कहलाती है। क्योंकि एक बताना, क्योंकि वो आपको बता दूं, आपको ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़े हुए हैं उनको पढ़ करके कोई बच्चा भी ज्ञानी बन जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसको मूल ज्ञान नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, उसको जो अनुभव का ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान बता रहा हूँ मैं अब अनुभव का है, गुरु, ठीक है, और शुक्र। गुरु और शुक्र दोनों की चर्चा होती है, दोनों का मिलन होता है, तो फिर चर्चा होगी, दोनों का मिलन होगा, वार्तालाप होगा, तो क्या बनेगा? ज्ञान बनेगा, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान आएगा, ठीक है ना। गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति, दोनों की चर्चा हो रही है, दोनों का मिलन हो गया यहाँ पर, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये ज्ञान मुद्रा का रहस्य, हर मुद्रा का एक बहुत बारीक रहस्य होता है, आपको नहीं मालूम है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। एक मुद्रा का बताने में ही मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ मुद्राओं के बारे में, तो एक घंटे का एक वीडियो बनता है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ ये वीडियो में। अब यहाँ पर हमने और जो देवता हैं उनको अलग कर दिया है, ठीक है ना, बुद्ध को अलग कर दिया है, यानी विष्णु अलग हैं, ठीक है, यहाँ आपको सूर्य अलग हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कृष्ण अलग हो गए हैं, यहाँ पे आपको शनि अलग हो गया है, यानी हनुमत कृपा अलग हो गई है, जो तीनों देवता बलि होकर के अलग बैठ गए हैं। अब यहाँ से शास्त्रार्थ किसका हो रहा है? शास्त्रार्थ हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का और शुक्राचार्य का, ठीक है। राहुकेतु अंदर चले गए, राहुकेतु अंदर चले गए, सौम्य बन गए। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण। जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, यदि हम ध्यानमय अवस्था में कर रहे हैं, या फिर हम जो अवस्था है हमारी, वो अवस्था हमारी माला वाली नहीं है, तो आप ज्ञान मुद्रा के हिसाब से कर सकते हैं। दोनों को आप देख लीजिए और ध्यान मुद्रा के हिसाब से आप यूँ करके बैठ जाइए आराम से। चाहे आप वाचिक करें, चाहे मानसिक करें, या उपासु करें, ठीक है, या ब्रह्म में ध्यान करके करें, ठीक है ना, ये भी अजय अलग है। मानसिक वाचिक वाचिक और उपासु सब जानते हैं, बुद्ध बुधा के करना, बोल कर करना, बिल्कुल शांत होकर करना, लेकिन ये मैंने आपको अलग बताया है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं गुरु का ज्ञान जरूरी होता है, आप भटक जाते हैं तो गुरु जानता है किस चीज़ में भटक रहे हैं आप, ठीक है ना। तो हम चल रहे हैं, गुरु ने मना कर रखा है कि रास्ते में कोई भी चीज़ दिखे तो उसको उठाना मत, क्योंकि गुरु की सलाह है और हमारा है गुरु कोई। तो अगर रास्ते में हमें एक मोबाइल बड़ा दिखता है, बहुत सुंदर मोबाइल है, बहुत सुंदर, बहुत महंगा लग रहा है वो देखने में, लेकिन हमें वो अचानक ध्यान आता है गुरु की बात, और यहाँ पर है गुरु के, गुरु का जो शिष्य है वो पक्के मन का और गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास करने वाला, तो गुरु ने कहा है कि रास्ते में कोई भी चीज़ दिखे उसे लेना मत, उठाना मत, तो आप उसको छोड़ करके, क्योंकि आप पक्के शिष्य हैं, आगे बढ़ जाएंगे आप, ठीक है, लेकिन आपका न तो कोई गुरु है, ना अगर गुरु है भी तो वो आपको ज्ञान नहीं दे रहा या समझा नहीं रहा है, तो आप उसको वो चीज़ दिखती है, आपको दिखता है वो सुंदर सा मोबाइल, ठीक है, बढ़िया वही वाला, तो आप उसे तत्काल उठाएंगे
और यूँ कहेंगे कि देखो हमें यहाँ पे आना हुआ और हमारा भाग्य कितना तेज है कि हमें चीज़ पा गई, मिल गई। लेकिन ये नहीं मालूम कि जीवन में ये आपने एक रोड़ा उठा लिया, एक बाधा उठा ली, एक कंटक उठा लिया, एक झमेला उठा लिया, एक परेशानी उठा ली। क्योंकि गुरु होते तो वो समझाते आपको कि रास्ते में कुछ भी मिले तो उठाना। इतना अंतर पड़ जाता गुरु में और एक सामान्य साधना साधक में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, आप कोई भी मंत्र उठाएं, ज्ञान मुद्रा के साथ उठाएं, अति उत्तम प्रभाव रहेगा, बहुत उत्तम फल मिलेगा। आप चाहे उस मंत्र को कितनी भी संख्या में करें, लेकिन अगर ज्ञान मुद्रा के हिसाब से कुछ एक माला भी कर रहे हैं आप उस मंत्र की, तो उसकी जागृत होने की संभावना 100% तक हो जाती है, क्योंकि ज्ञान आपके पास आ जाता है। आज ज्ञान के आपके पास दरवाजे खुल जाते हैं, आपको ये तक मालूम पड़ जाता है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो किस तरह से सफल होगी। और दोस्तों आपको एक छोटी सी मुद्रा बता रहा हूँ, इस मुद्रा को आपने कहीं नहीं देखा होगा, कहीं सुना नहीं होगा, वो सुना भी होगा तो वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होगा, वही आपको बता पाएगा। पंचबंधन खोलने की मुद्रा, पंचबंधन खोलने की मुद्रा। जो पंचबंधन होते हैं वो पंच महाभूत के बंधन होते हैं, और उसको धरती पर खोलने वाला कोई पैदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पंचभूत के बंधन है, पंचभूत के बंधन हर किसी पर काम करते हैं। पांच तत्व हैं संसार में, पाँचों तत्व मिल करके अगर एक साथ हो जाएं तो बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो पंचबंधन खोलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो पंचबंधन के लिए आपको ज़्यादा कठिन मुद्रा तो नहीं है, बहुत आसान है। अब देख रहे हैं ये जा रहे हैं आप, ये दोनों उंगलियां हैं दोस्तों आपकी तर्जनी यानी गुरु उंगली, और जो अंगूठा है ये आपके होठों के ऊपर आएगा। और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। और कान के ऊपर जी वाली उंगली है जो, और नाशिका अग्रभाग, अब देख रहे हाथ देखना दोस्तों मेरे, इससे आपको क्या होता है, आप इसको करेंगे जो मैंने बिल्कुल जो मैंने कराया बिल्कुल बेसिक सेम दोहराएंगे, तो आपको चेहरे पर तेजी से एक गर्माहट तत्काल के लिए दिखाई देगी, थोड़ी गर्माहट आएगी एकदम से। कभी भी इसको करके देखना, जिसकी सफलता का लक्षण है, मतलब ये बिना सिद्ध किए ही आपको ये चीज़ महसूस करा देंगे, ठीक है। जब पर वो उन्हीं के लिए जो साधक हैं उन्हीं को महसूस होगी, जो इस क्षेत्र में नहीं उनको बिल्कुल महसूस नहीं होगी, कतई भी नहीं, क्योंकि मुद्रा ही ये पंचबंधन मुक्ति मुद्रा है। दोस्तों छोटी छोटी बहुत बारीक चीज़ें हैं जो मुझे मालूम है, लेकिन मैं समय के अभाव में आपको बता नहीं पाता हूँ, ठीक है ना। यदि बड़ी साधनाएं चलती हैं, भयंकर साधना है, और काल भैरव हुए, शमशान भैरव हुए, रूरू भैरव हुए, मतंग भैरव हुए, कपाली भैरव हुए, कंकाल भैरव हुए, क्रोध भैरव हुए, भगवान शंकर, इन सब के लिए आपको मालूम है कौन सी मुद्रा चलती है? इन सब के लिए जब इनको जागृत करना होता और तत्काल इनका प्रभाव देखना होता है, तत्काल इनकी ऊर्जा देखनी होती है, तो दोस्तों लिंग मुद्रा बनती है। और लिंग मुद्रा देवता को दिखाते हुए मंत्र जाप किया जाता है, और फिर उसको मंत्र आप उसको देवता को समर्पित किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, हर मुद्रा का एक महत्व होता है। और बाकी केवल मैंने आपको आज ज्ञान मुद्रा की जानकारी दी है, ज्ञान मुद्रा कैसे बनती है, क्यों बनती है। अब आपको कल लिंग मुद्रा और कल ध्यान मुद्रा और शक्ति मुद्रा इनकी जानकारी कराऊंगा, ठीक है ना। और ये आपको जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी होगी तभी उस क्षेत्र में परफेक्ट आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको थोड़ी सी जानकारी मुद्रा के बारे में एक और दे देता हूँ कि मुद्रा क्या है। मुद्रा एक खिंचाव है, मुद्रा एक चुम्बक है, मुद्रा एक आकर्षण है, मुद्रा एक शक्ति है जो बनाने वाले के पास होता है, जो मुद्रा को बनाता है या मुद्रा का क्रियान्वयन करता है या उसको कार्य रूप देता है, क्रिया रूप देता है, तो देवता को खींचती है अपनी तरफ। आ जाओ,
एक लिंक बन जाता देवता तक, वो लिंक देवता तक बन जाता वो खींचता है, क्योंकि वो देव, क्योंकि वो मुद्रा नहीं है, वो देवता को आकर्षित करने की क्रिया है, देवता में खिंचाव लाने की क्रिया है, देवता को मोहित करके अपनी तरफ लाने की प्रतिक्रिया है मुद्रा। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब चीज़ें करते हैं तो उसके बारे में समझिए भी, अन्यथा उस क्षेत्र में मत जाइए जिसके बारे में आपको अल्प नॉलेज है, ठीक है ना। क्योंकि मालूम है आपको नीम हकीम खतराए जान, अगर वो अल्पज्ञ हैं या अल्प नॉलेज हैं, ठीक है ना। तो अननोन मत बनिए, नोन बनिए, लेकिन वेरी मतलब क्लियर नोन, यानी कि केवल नोन है खाली, आप जानते हैं केवल, आप यानी कि प्रोफेसर उस चीज़ के, तब आपको मान मिलेगा। टीचर हजारों होते हैं लेकिन कोई बहुत विशेष होता है, बहुत बारीकी से चीज़ को समझाने वाला होता है, उसके पास पकड़ होती है। चलिए मित्रों, आपने थोड़ा सा जानकारी दे दिया, बस आपको कल एक विशेष वीडियो और एक मुद्रा के बारे में दूंगा, तो आप उसके बारे में सब समझ जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी की, जय करा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। दोस्तों आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने बता रखा है, व्हाट्सअप नंबर पे केवल मैसेज में आप डालें, ठीक है ना, उसी के हिसाब से मुझसे वो करें संपर्क, क्योंकि कॉल वगैरह मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ भाई, इतना ज़्यादा वो रहता है, रश रहता है, कि एक कॉल अगर मैंने मोबाइल खोल के कॉल किसी एक की ले ली तो 50 कॉल उसी समय आने लग जाती हैं, तो वो 10 से 5 साल 10 से 7 साल से ऐसे ही चलता है सब, तो मैं अटेंड नहीं कर पाता। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड कर दूँ, मैं उसको जवाब आपको 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में दे दूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी आपका अगर मैसेज आ गया तो घंटे भर बाद आपके मैसेज के ऊपर 200-500 मैसेज आ चुके होते हैं, तो वो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप एक मैसेज, फिर 2 घंटे बाद 1 मैसेज फिर 2 घंटे बाद 1 मैसेज, आपका मैसेज मेरी पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। मिलता हूँ, जय श्री राम, जय माता रानी की, सदा सुखी रहो, सब मजे करो जिंदगी के, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान की भक्ति करो, जय माता रानी की। शुद्ध विद्या सबसे बेस्ट है।